अडानी और मोदी के रिश्ता इसलिए हम पूछते हैं, अगर अडानी मोदी का रिश्ता क्या है, भाई भाई डागरी जैसे किलर को ये पकड़ नहीं सके, जो दो हत्याएं होगी, जो मिलिटेंसी टनल के पार थी, कटड़ा में बम ब्लास्ट होना, बस और परफ्यूम वाले बम का आना, ड्रोन के जरिए चाइना का हथियार आना, ये दर्शाता है, लोग महसूस करते हैं कि बोर्ड लीडरशिप की ज़रूरत है। करें अपना शीशा देखते हैं, हम अमित शाह जी तो बोलते हैं हमने सब कुछ तैयारी कर ली है, इलेक्शन कमिश्नर का फैसला है, और बयान भी देते हैं कि परिंदा भी पार नहीं मार सका, तो अगर सब कुछ ठीक है तो बताएं, यहाँ पर चुनाव करवाएं। मोदी अडानी, मोदी अडानी, मोदी अडानी, स्टेट का दर्जा, महंगाई को कम करो, कम करो, बेरोजगारी को कम करो, कम करो। JKPCC के जितने भी मैं मेंबर्स का हूँ, सबने एक जय भारत सत्याग्रह जो है वो ऑर्गेनाइज की है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग जो हैं नियर बाय एरिया से वो यहाँ आए हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं लिखा हुआ जय भारत सत्याग्रह, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जम्मू अर्बन ब्लॉक नंबर 1, जिसमें जो है महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया है इसमें। और JKPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला इस समय हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। जय भारत सत्याग्रह जो आपने आज ऑर्गेनाइज किया है, मकसद क्या है इसका? सत्याग्रह की जिस ढंग से ताकत है, आपने सुना होगा कि सत्याग्रह के माध्यम से जब हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, सत्याग्रह ही था जिसने एक मूवमेंट पैदा की और अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ा। आज वही स्थिति हिंदुस्तान में है, सत्याग्रह के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए। और मोदी सरकार जिस ढंग से अहंकार में डूबते हुए विपक्ष को ख़त्म करने का प्रयास यहाँ पर की जा कर रही है, वहीं पे महंगाई के मार से लोगों का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे चुनाव कहीं नहीं, यहाँ पे रियासत का दर्जा छीना गया, तो सत्याग्रह ही एक मूवमेंट होगी जो मूवमेंट अंडर करंट लोगों की दुख तकलीफ़ों को उजागर करने के लिए प्लेटफार्म है। और इसके माध्यम से हम दावे से कह सकते हैं कि नई मूवमेंट यहाँ पर शुरू होगी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार मजबूर होगी कदम उठाए ताकि लोकतंत्र की बहाली कर सकें और बेरोजगारी दूर करते हुए रोजगार के अवसर पैदा कर पाएँ। आज के दौर पर जो रिक्रूटमेंट स्कैम हम लोगों ने देखे हैं, नौजवानों के साथ हम खड़े हैं, फायर सर्विस के वाले लोग 20 दिन से लगातार धरने पे हैं, पूरी गवर्नमेंट खुद बोलती है कि ऐसे चीज़ें लगा दो, एक महीने के अंदर बोल दो, चार महीने हो गए, लोग परेशान हैं, नौजवान परेशान है, राशन डिपो पे राशन इतना महंगा कर दिया, विडो पेंशन ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी गई और फॉर्मेलिटीज इतनी कर दी कि लोगों को पेंशन यहाँ तक नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से एक सत्याग्रह ही है जिसमें हम लोकल मुद्दे भी हों, देश के मुद्दे भी हों, और राहुल गांधी जी के समर्थन में हम सब लोग यहाँ पे मैदान में उतरे हैं, सड़कों पे उतरे हैं। मुझे बताएं, क्या प्रॉपर्टी टैक्स भी एक मुद्दा है? प्रॉपर्टी टैक्स भी एक मुद्दा है, जो भी जन विरोधी कानून भाजपा ने यहाँ पे लाए हैं, और यही दो मुख पहनने वाले लोग, भाजपा का यही प्रशासन कॉरपोरेशन वाला कभी बोलता था कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, LG साहब ने खुद बोला था पब्लिक मीटिंग में कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। आज क्या आन पड़ी कि प्रॉपर्टी टैक्स ला के लोगों के पास आमदन का जरिया कोई नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पे आए, कैजुअल लेबर को रेगुलराइज नहीं किया जा रहा, फायर सर्विस की धांधली यहाँ पे हैं, यहाँ पे फास्ट ट्रैक में कोई रिक्रूटमेंट नहीं, उसके बावजूद कोरोना में कोई इतना इकोनॉमिक पैकेज नहीं दे दिया, लोग लड़खड़ा गए हैं, छोटी कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी दर बदर यहाँ पे है, GST CGST हो, बड़े बड़े रिलायंस स्टोर का खुलना हो, और ख़ास तौर पर जम्मू मंदिरों शहर में भाजपा ने कसर नहीं छोड़ी कि बियर भी आम दुकानों में मिल पाए, तो ये दर्शाता है लोग तो खरीद रहे हैं, लोग तो दुकानें ले रहे हैं, लोग तो वही है जो जाने वाले हैं, लेकिन जनरल पब्लिक की बात करें, सारी जनरल पब्लिक तो इसमें नहीं है। टैक्स क्रिएट करना, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और भी कई साधन यहाँ पे हो सकते हैं। तो कल तक जो भाजपा दावा करती थी कि यहाँ पे नशा विरोधी चीज़ें हम लाएंगे, जम्मू मंदिरों का शहर है, मंदिरों के शहर में इस ढंग की चीज़ों लाना भाजपा को लोग जवाब देंगे आने वाले दिनों में। शराब की दुकानें तो कांग्रेस के टाइम पर भी खुली है, लेकिन उससे बढ़ोतरी तो इन लोगों ने यहाँ पे की है, एक लिमिट होती है कि जब से यहाँ पे दे पाए, ज़बरदस्ती कोई ले नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ टैक्स को रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए और दुकानें यहाँ पे खोल दी गई हैं। तो ये दर्शाता है कि कहाँ पे ये सरकार जो बेरोजगारों को रोज़गार नहीं दे सकी, बिजली के किराओं में वृद्धि कर पाई, देश की संपत्ति बेचने का काम किया, कांग्रेस ने देश की संपत्ति को जोड़ के देश में काम यहाँ पे किया, और बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता ने जिन्होंने कई कई करोड़ों रुपए की, कई सौ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी देश के नाम कर दी, आज वही सरकार जो राहुल जी का क्वार्टर भी खाली करवाती है और एक वन नेशन वन थ्योरी की बात भी जो करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक्स मिनिस्टर सारे सरकारी बंगलों में रह रहे हैं, उस तरफ ध्यान उनको नहीं आता कि एक देश कानून है, तो फिर राहुल जी ने क्या बिगाड़ा था, मकान हर एक कार्यकर्ता वो राहुल जी के समक्ष यहाँ पे खड़ा है, अपने मकान उनके नाम, ये सत्याग्रह कहीं ना कहीं राहुल जी के लिए भी, राहुल जी का समर्थन है, लेकिन
राहुल जी जो मूवमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो सिर्फ राहुल जी के नहीं, देश हित में है, लोकतंत्र को किस ढंग से बचाया जाए वो मूवमेंट है। गरीब आदमी का चूल्हा आराम से चल पड़े, सरकार जो गूंगी बहरी है, अंकार में डूबी है, उसका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करने के लिए कि गैस सिलेंडरों में कीमतों में कमी ला जा सके, पावर टैरिफ में कमी ला जा सके, और ये सारी चीज़ें हैं जो आम लोगों से जूझ रहे हैं, लोगों की तकलीफें हैं, इन मुद्दों को भी उबारने के लिए सत्याग्रह किया जाए। ये सत्याग्रह कितने दिन के लिए, मतलब कब तक चलेगा? ये फेज मैनर में हमारी एजिटेशन है, पीसफुल एजिटेशन है, लेकिन लोगों की बात करने के लिए डिफरेंट क्वार्टर्स में हमारा ये मूवमेंट होगा। एक मूवमेंट और भी आएगी कुछ दिनों के बाद, आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रो करना, कांग्रेस वो भी यहाँ पे करेगी। क्या डोर टू डोर आप लोगों के साथ कांटेक्ट करने के लिए जाएंगे? डोर टू डोर लेवल पे है, और इसके बाद वार्ड लेवल पे भी ये मूवमेंट यहाँ पे जाएगी आम लोगों की इन्वॉल्वमेंट के लिए। लोग महसूस करते हैं कि भाजपा को जितनी इतनी ताकत दे दी, 25 से ज्यादा विधायक तो बन नहीं पाएंगे, बदले में क्या मिला, रियासत के टुकड़े। पर वो तो दावे करते हैं कि 50 से ज्यादा सीटें। मुंगेरी लाल के सपने भाजपा को कौन पूछता है, वो अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं। जनता भी कहीं ना कहीं सपोर्ट में नजर आ रही है। जनता सपोर्ट भी नहीं, जनता बेसब्री से इंतजार करती है। जनता ने महसूस किया डांगरी जैसे किलर को ये पकड़ नहीं सके, जो दो हत्याएं होगी, जो मिलिटेंसी टनल के पार थी, कटड़ा में बम ब्लास्ट होना, बस और परफ्यूम वाले बम का आना, ड्रोन के जरिए चाइना का हथियार आना, ये दर्शाता है, लोग महसूस करते हैं कि बोर्ड लीडरशिप की ज़रूरत है। आंखों में आंखें डालने वाले जो आज सत्ताधारी हैं कहाँ भी दिखाई, 10 किलोमीटर अंदर चाइना के हथियार यहाँ पे आते हैं, बेरोजगारी चरम सीमा में पहुँच गई, ये सब चीज़ों का जवाब यहाँ पे देगी। भाजपा अपनी पीठ जरूर थपथपाती है लेकिन लोग इनकी बात सुनने वाले नहीं। अगर उनको सब कुछ अच्छा लगता है तो फिर चुनाव की घोषणा क्यों नहीं करते? होम मिनिस्टर बोलते हैं, उन्होंने तो कहा है कि जल्दी असेंबली इलेक्शंस हो सकता है, हो सकता नहीं, जल्दी कब आएगा? 4.5 साल तो हो गए, और जल्दी क्या, क्योंकि ये बैकडोर तरीके से प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाना, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जब तक जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं तब तक। अब ये खुद ही मंथन करें, अपना शीशा देखते हैं, हम अमित शाह जी तो बोलते हैं हमने सब कुछ तैयारी कर ली है, इलेक्शन कमीशनर का फैसला है, और बयान भी देते हैं कि परिंदा भी पार नहीं मार सका, तो अगर सब कुछ ठीक है तो बताएं यहाँ पर चुनाव करवाएं। आपके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट देखने को मिल रही है, मैं आपसे पूछना चाहूँ। मैं आपके सवाल पर हंसा था इसलिए कि आपने सवाल किया कि भी वो तो चुनाव कराना चाहते हैं, तो हम भी पिछले क्योंकि वो बढ़ चढ़ कर जो है ये चीज़ बोलते हैं कि जल्द ही असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होंगे। उन्होंने ही दावे किए थे कि सामान्य हालात हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर सामान्य है तो चुनाव क्यों नहीं करा रही है? बेसिकली जो रमन जी ने कहा वो सही कहा कि ये बैकडोर से जितने भी जो एंटी लोगों के जो लॉ हैं, जो कानून हैं, वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करना चाहिए। आपने अभी देखा कि बाहर से हम जो हमारी एक डिमांड थी, भाजपा यही कहती थी कि बाहर के लोगों को यहाँ बसने नहीं दिया जाएगा, नौकरियाँ जो यहाँ के लोगों को मिलेंगी। अब देखिए कितने लोगों को यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली जो लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर, ये तो 370 हटने के बाद पता ही बात। सवाल ये है कि हिमाचल में भी इनकी सरकारें थी, नॉर्थ ईस्ट में भी है, हम तो यही मांग कर रहे हैं ना कि हम ये प्रॉपर्टी जो हमारे राइट्स अपने लोगों के पास रहने चाहिए, यहाँ की नौकरियों का हक यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार दावे करती थी कि नहीं, ना तो हम प्रॉपर्टी बाहर के लोगों को बेचेंगे ना नौकरियाँ बाहर के लोगों को, इसलिए इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और राहुल जी की आवाज़ बनकर ये सभी साथियाँ सड़कों पर निकले और आइंदा भी राहुल जी की आवाज़ बनकर सड़कों पर निकले। अंत में आपसे यही पूछना चाहूंगी कि लोगों को आप इस सत्याग्रह जो आपने शुरू किया है क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से अगर लोगों को आपके साथ इस सत्याग्रह में जुड़ना हो, आम जनता को खास करके अगर अपनी तकलीफें आप तक पहुंचानी हो तो जुड़ रहे हैं, हमारी कॉर्नर मीटिंगें भी हो रही हैं, ये तो आपको एक मंच यहाँ पे दिखा रहा है, कॉर्नर मीटिंग से लोग तंग आ चुके हैं, लोग बदलाव यहाँ पे चाहते हैं और बदलाव होकर रहेगा। जम्मू कश्मीर में आप देखिए, हिमाचल में बदलाव आया, कर्नाटक में भी बदलाव आएगा, ये जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर में बदलाव होगा, क्योंकि लोग कभी माफ नहीं करेंगे कि जिस रियासत तो रहे हैं, अच्छे दिन आ तो गए, अभी तो अच्छे दिन तो वह भाजपा के अभी आए हैं, क्योंकि बगैर पंच होने के सरपंच के अच्छे दिन उन्होंने कहा था जम्मू की जनता, जम्मू के एक्स मिनिस्टरों के भाजपा के आ रहे हैं, क्योंकि वो पंच नहीं सरपंच नहीं, सरकारी बंगले यहाँ पे रखे उस पर कब्जा करके रखे, अच्छे दिन उनके हैं। और अडानी और मोदी के रिश्ता इसलिए हम पूछते हैं, अगर अडानी मोदी का रिश्ता क्या है भाई भाई, तो फिर अच्छे दिन तो भाजपा के हैं लेकिन आम जनता के बुरे दिन है, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि JKPCC के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है रमन भल्ला, उनका कहना है कि ये जो सत्याग्रह का मूवमेंट ये जो शुरू किया है, ये आने वाले समय में बहुत भारी मात्रा में जो है लोग इसमें जुड़ेंगे, और इस सत्याग्रह का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों की जो परेशानियां हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो गरीब तबके के लोग हों, सबकी परेशानियां जो हैं इस सत्याग्रह में आगे बढ़ चढ़कर जो है वो सामने आए,
ताकि जो लड़ाई जो इस समय जो कि पीसीसी के जितने भी मेंबर्स हैं, जो ये पूरी जो कांग्रेस की मैं बात करूंगी जो ये लड़ रहे हैं, वो जल्द से जल्द जो है एडमिनिस्ट्रेशन की भी आंखें खुलें इससे। लेकिन अब देखना ये है कि इस तरीके के जो इस तरीके की जो सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो शुरू तो की गई है, एक पहला कदम तो उठाया तो गया है, लेकिन क्या हर बार की तरह ये सिर्फ ग्राउंड लेवल पर ही रह जाएगा या इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा।